सलमा जी, अमूमन तो मैं सेट पर नर्वस होती नहीं हूँ, लेकिन आज इतनी सीनियर एंकर मेरे सामने बैठी हैं कि थोड़ी घबराहट हो रही है। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि कैसे शुरू हुआ आपका दूरदर्शन का, समाचार का सफ़र? दूरदर्शन का सफ़र समाचार का ख़ास तौर से बहुत दिलचस्प रहा, क्योंकि उस वक्त जो था न्यूज़ रीडर का मैच्योर होना और थोड़ा एज होना बहुत ज़रूरी था। आज की तरह नहीं था कि आपको यंग लोग चाहिए, क्योंकि उनका मानना था कि न्यूज़ के लिए मैच्योरिटी की ज़रूरत है, क्रेडिबिलिटी की ज़रूरत है, जो उम्र के साथ आती है। सो एक बार ये हुआ कि एक न्यूज़ रीडर थे गोपाल कौल, और वो न्यूज़ नहीं पढ़ना चाहते थे। तो वो अपना एक दिन आए और अपना बाल मुंडवा कर तशरीफ़ ले आए और कहा कि अब आप मुझसे न्यूज़ पढ़वाइए। तो ज़ाहिर क्राइसिस हो गया। उस वक्त मैं ही वहाँ मौजूद थी, मुझसे पूछा गया, तो मैंने कहा मैं ज़रूर पढ़ूँगी। तो न्यूज़ मैंने पढ़ी, लेकिन कोई ट्रेनिंग नहीं थी। जो 10 मिनट का बुलेटिन था वो मैंने शायद 5 मिनट में ख़त्म कर दिया। लेकिन न्यूज़ ख़त्म करने के बाद मैं स्टूडियो में गई और बहुत खुश थी कि अब तो वहाँ पर लोग बहुत वाह वाह करेंगे। तो वहाँ सब लोग सर पकड़े बैठे हुए थे, क्योंकि उनको फिलर देना पड़ा था। तो फिर ये डिसाइड हुआ कि भाई इनको बुलेटिन दिए जाएँ और उनको ट्रेन किया जाए। तो इस तरह न्यूज़ का सफ़र शुरू हुआ। उसके बाद जब, जैसे आपने कहा, पहली बुलेटिन पढ़ी और सबने सर पकड़ लिया, कभी खुद सोचा नहीं होगा कि आप एक इतना बड़ा फिगर बन जाएंगे, एक शख्सियत बन जाएंगे जिसको देखने के लिए लोग इंतज़ार करेंगे? ये बहुत बड़ी बात आप कह रही हैं, बहुत शुक्रिया अगर ऐसा लोग समझते हैं। लेकिन ये सही बात है कि उस वक्त इन चीज़ों का एहसास नहीं था, और हम लोगों को सिर्फ ये मुद्दा था कि हम जो कुछ कर रहे हैं बहुत अच्छी तरह करें, उसको बेहतर से बेहतर करें। तो एक यही ड्राइव थी जिससे हम लोग आगे बढ़ रहे थे। चलिए आपको कुछ सुनवाते हैं। सलमा सुल्तान वाज वन हु आई लाइक टू वॉच, यू नो। फेवरेट एंकर तो आई थिंक सलमा सुल्तान। जो कान के पास एक गुलाब का फूल लगाती थी, वो भी लोगों को बहुत पसंद आता था। अगर किसी दिन नहीं लगाए हो तो लगता था क्या बात है, पता नहीं आज कुछ दुखी है क्या। घर में सब लोगों को ये बोलता था कौन बोल रहा है आज, कौन बोल रहा है, देन एक एक्साइटमेंट होता है। वो बोले अच्छा अच्छा जल्दी आओ, देखो वो आगे ही आगे, करो बोलो। जो उनके ड्रेस होती थी, मतलब साड़ी पहनी हुई होती थी, मुझे इतनी अच्छी लगती थी कि मैंने उसको बना कर देखा, मेरे से कभी बनी नहीं वो साड़ी। पता नहीं वो किस तरह से ऐसे करके बना के रखती थी, बिल्कुल ऐसे उनकी साड़ी होती थी, फर्स्ट क्लास। She really looked like the goddess of learning. Wow. Oh my God. I'm really grateful. अच्छा बताइए, वो साड़ी कैसे करती थी आप? ये तो एक्चुअली हर कोई जानना चाहता है। नहीं, वो ये था कि जब ब्लैक एंड वाइट से शुरू किया था तो मामला ठीक था, लेकिन जब कलर आया तो हर साड़ी के साथ मैचिंग ब्लाउजेज नहीं थे। सो और अगर आपको 50 साड़ियाँ पहनना और हर रोज़ नया पहनना है तो फिर ब्लाउज, तो मैंने तरीका निकाला कि उसको पहले यहाँ पिनअप किया जाता था, फिर उसके बाद यहाँ किया जाता था और फिर वो वी बनता था। मतलब ब्लाउज को छुपाने के लिए जो वी बनाया गया वो स्टाइल स्टेटमेंट बन गया। So, अगर मैं अलग अलग दौर की बात करूँ तो आपने काफ़ी सारे ट्रांसफॉर्मेशंस देखे हैं। कागज़ से ऑटोक्यू, टेलीप्रॉम्प्टर, उसके बाद ब्लैक एंड वाइट टेलीविजन से कलर टेलीविजन, कैसा रहा वो सफ़र और कोई दिलचस्प वाक्य उस दौरान जब ट्रांजिशंस हो रहे थे? एक बार टेलीप्रॉम्प्टर पे ही बहुत दिलचस्प किस्सा है जो मैं शेयर करना चाहूँगी। न्यूज़ टेलीप्रॉम्प्टर पे जा रही थी और उसमें उसका मतलब ये था कि पुराने ज़माने में औरतों को पर्दे में रखा जाता था, यही मतलब होगा। तो मैं पढ़ रही थी तो उसमें लिखा हुआ था पुराने ज़माने में। जब मैं ज़माने तक पहुंची तो मैंने देखा कि बंद तो इधर आ रहा है, रा उठ के बंद के साथ आ गया और खा उधर चला गया। यानी वो इस तरह था कि पुराने ज़माने में औरतों को बंदर खा जाता था। मैंने एकदम फ्लैश की तरह आया कि ये बंदर नहीं खा सकता है, बंद रखा जाता था। सो मैंने उसको पढ़ दिया, लेकिन उसके बाद जो हालत हुई तो वो तो सोच सकती हो ऋचा तुम कि क्या हुआ होगा। यानी अगर बंदर खा जाता तो फिर मेरा क्या हशर होता। चलिए, तो थोड़ी सी टीवी की बात हो गई, अब आपकी निजी ज़िंदगी की थोड़ी सी बात करते हैं। सुना आप काफ़ी गुस्से वाली हैं। इसको एक लाइन में नहीं कहा जाएगा। बेसिकली मैं बहुत पीस लविंग हूँ और मुझे शांति बहुत पसंद है और टेंशन बिल्कुल पसंद नहीं है।
लेकिन वो इसी तरह की अगर कभी विस्फोट हो तो फिर बहुत बड़ा होता है. होता है. तो सुनवाए आपको. यू गॉट इट. जैसे आपको याद होगा एक बार आप स्कूल आए थे मुझे पिक करने के लिए. हमारे पास पुरानी फीएट थी जिसके ऐसे गियर होते थे. तो जब आप मुझे पिक करे गए तो एक बस वाले ने आगे से गाड़ी को हल्का सा मार दिया था. तो उसके बाद आप यू चेज दैट बस फॉर 4 किलोमीटर. उसके पीछे जैसे बिल्कुल अमिताभ बच्चन की तरह आप गाड़ी लेके भागी उसके पीछे 2-3 15 मिनट से चेज किया. उसको आगे जाकर रोका ऐसे करके उसको उतारा शायद उसको चांटा मारा क्या किया. बट आई वॉज वेरी इंप्रेस मैंने क्या माया भैया ये. तो मुझे सब याद हुआ तो वो सारे जो स्टंट्स किए थे पहले. अम्मा पूरी जिंदगी मैं कुत्ते नहीं रख पाया क्योंकि आपको पसंद नहीं थे. जब जब मुझे कुत्ते मिले आपने गरीबों को बांट दिए. तो अब एक तो मैंने रख लिया है आपको मैं बता दिए. मैंने आपको ये नहीं बताया कि मैंने एक और कुत्ता ले लिया है. ओह माय गॉड. मैं आपको दिखाना चाहता हूँ. इसे मेरा कोई रूम नहीं है. हैंड अप नहीं. हैंड्स अप. एक और ये आपकी वेट कर रहा है सर में. और आपकी सभी दोस्ती हो जाएगी और जब आप आओगी तो आपको मिल जाएगी. Oh my God! This was very beautiful, but I think इन्होंने तो मेरे बारे में पूरा बता दिया तो मैं जाऊँ. आप सेट पर आई हैं, शो में आई हैं और गुलाब के फूल की बात ना हो तो ये तब हो नहीं सकता. लगातार बात चल रही है. जी जी. इससे भी जुड़ा कुछ किस्सा है? जो ये गुलाब का फूल कैसा कैसे एक दर्द सर बन गया वो इस तरह है कि मेरे गार्डन में फूल थे और मैंने इत्तेफाक से एक फूल लगा लिया. और उसके बाद से कहानी आज तक जारी है. वो महज एक इत्तेफाक था कि आप महज एक इत्तेफाक था. इंसिडेंट हो गया. मुझसे कहा गया 2 मिनट रोकेंगे वो फूल थोड़ा छुप रहा है. ओह अच्छा ये हुआ है. मतलब ये फूल से मेरे बहुत जबरदस्त कंपटीशन हो गया. बहुत ज्यादा. जी जी. जब भी हम कहीं आपका नाम लेते हैं तो बाहर लोग जानना चाहते हैं कि अब कहाँ हैं सलमा जी, क्या कर रही हैं. शुरू से मैंने अपने आप को बहुत चैनलाइज किया हुआ था. न्यूज़ के साथ साथ मैं प्रोडक्शंस कर रही थी, लिखना शुरू कर दिया था, म्यूजिक था. तो मेरे लिए जो ट्रांजिशन था वो ऐसा नहीं था कि एक फुल स्टॉप हुआ अब क्या अब करें. क्या करें. सो वो चीज़ें एक दूसरे के साथ एक कड़ी की तरह जुड़ती गई और लाइफ आगे बढ़ती गई. मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर लोग मिलते गए कारवां बनता गया. मेरा बहुत बहुत प्यार मेरे दर्शकों के लिए जो अभी तक इतना प्यार मुझे देते हैं. थैंक यू सो मच. एक छोटा सा तोहफा है जिंदगी लाइफ की तरफ से आपके लिए. जब जब दूरदर्शन का जिक्र होगा ये एक चेहरा जरूर याद आएगा. मीनू तलवार इंडियन टेलीविजन के उन चंद सबसे पहले लोगों में रही जो करोड़ों के दिल में बस गई. वो वक्त गुजर गया लेकिन याद हमेशा जिंदा रहेगी. बड़ी बड़ी जीवंत आंखें, मीठी सी मुस्कान, एक गहरी खनखनाती आवाज और अंग्रेजी भाषा पर पकड़ ऐसी कि वो आज भी भुलाई नहीं भूलती. मीनू जी 1971 में दूरदर्शन में आपका सफर शुरू हुआ. आई वुड से लेट 1970s. It was my destiny which actually brought me to the doorstep of Doordarshan. Kaise? Well, I had gone there to, to collect somebody who was just doing a program for Doordarshan. And I was standing there, one producer came to me and he said, "Aap audition kyun nahi deti hain?" So, application to maine kya likhi? Apni ek zindagi ki, lekha jokha usme likh diya. Kyunki wo din hai. और आज का दिन है. गुड 35-34 years or whatever. I'm bad at counting. I've still been I'm with Doordarshan. It was my first job. और आज भी मैं दूरदर्शन से जुड़ी हुई हूँ. Wow. पहले आप हिंदी में अनाउंसमेंट्स किया करती थी.
You know, Richa, it was, I am very happy that I joined as an announcer over there, because we as announcers got the chance to do just about every kind of program. मैंने letters का program आप और हम एक होता था बड़ा popular वो किया. Then I did your चित्रहार भी करती थी, साप्ताहिकी करती थी, and एक 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 तरीके से लोगों से एक और घनिष्ठ संबंध पैदा हुआ एज एन अनाउंसर. यस, आई वाज अ हिंदी अनाउंसर. हिंदी अनाउंसमेंट से अंग्रेजी की न्यूज रीडिंग. देयर वाज एन ऑडिशन फॉर इंग्लिश इंग्लिश न्यूज एंड हिंदी न्यूज. सो आई वाज गोइंग इन फॉर द हिंदी न्यूज ऑडिशन. सडनली पता नहीं क्या हुआ, लास्ट मिनट हमने अंग्रेजी का भी पर्चा पकड़ लिया, एंड आई गेव माई ऑडिशन इन इंग्लिश एंड आई वाज सेलेक्टेड फॉर इंग्लिश. सो दैट्स हाउ आई केम इनटू न्यूज रीडिंग. मैसेज सुनवाते हैं आपको. हाय मॉम, आई होप यू आर प्लेजेंटली सरप्राइज्ड. ग्रोइंग अप आई रिमेम्बर अ वेरी फनी इंसिडेंट और रादर वेरी एम्बैरेसिंग इंसिडेंट एट दैट पॉइंट. यू नो, वी वर शॉपिंग विथ यू इन खान मार्केट एंड वन ऑफ द बॉयज हु नॉर्मली ऑल गर्ल्स हैव अ क्रश ऑन सॉ अस. सो द नेक्स्ट डे व्हेन आई वेंट टू स्कूल एंड आई वाज स्टैंडिंग विथ माई फ्रेंड्स इन द ब्रेक, ही कम्स अप टू मी एंड सेज, कैन आई हैव द नंबर ऑफ द प्रिटी गर्ल यू वर विथ यस्टरडे? एंड आई वाज totally speechless, didn't know how to react to him. But now that I'm a mother of two, I would love to be in your shoes. Hi Nani, how are you? I love you. You're the best storyteller in the world and I love the kadhi chawal you make for me. Hi Nani, everybody thinks I look like you and I love to hear that. I don't believe this. This is a total surprise. It's okay. Is it I don't believe it. It's just, I mean, you guys are just amazing, you know. Thank you so much. Fan following to gazab ki thi aapki. Fan following? देखिए, फैन फॉलोइंग एवरीबडी हैड देयर फेवरेट न्यूज पर्सन, आई वुड से दैट. एंड वी वर द हार्ट थ्रॉब्स ऑफ द नेशन. एंड सलमा ऑफ कोर्स वाज द क्वीन ऑफ हार्ट्स. दैट्स वंडरफुल. बहुत लव लेटर्स आते थे आपके पास? हाँ, आते थे. प्रपोजल्स आते थे, लव लेटर्स आते थे. और यू नो, लेडीज़ वुड राइट टू अस कि मीनू जी, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन हमारे ये जो वो हैं, ये जब आप आती हैं तो बस सब कुछ छोड़ के टीवी के सामने बैठ जाते हैं. एंड यू नो, लाइक समबडी विल से, वेल आई हैव रीनेम्ड माय गर्लफ्रेंड मीनू. कोई मुझे बोलता था कि भाई हमारे घर में बच्ची हुई है, तो आपके ऑनर में हम उसका नाम मीनू रखते थे. वो सेक्सी मीनू वाला एक किस्सा हुआ था. ओह माय गॉड, oh my gosh. You know, aajkal to it's become very common to say you're looking hot, baby, you know, everybody wants to look hot, you know. And so there was this interview in one of the magazines. I didn't know. So in the morning hum baithe hue the apne father in law ke sath, morning mein chai pee rahe the, and you know, the Femina, I think it was Femina that came, and humne foran uthaya. जब पहला पलटा तो उसमें हेडलाइन थी सेक्सी मीनू. हमने फौरन उसको दबाया और छुपा दिया. हमने कहा हमारे फादर इन लॉ देखेंगे, हमारे घर के लोग देखेंगे, तो बाप रे बाप, वो कहेंगे ये सेक्सी मीनू. मतलब इट वाज समथिंग दैट यू हैड टू लिव डाउन, यू नो, एंड से व्हाट द हेल. आई, या, दैट वाज समथिंग. मीनू जी, इट्स बीन अ प्लेजर टॉकिंग टू यू. बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पर आई हैं. चलते चलते आप गाना बहुत अच्छा गाती हैं. गाना, दिल की बात बोल लेती हूँ. अभी न जाओ छोड़ कर, अभी तो दिल भरा नहीं, अभी अभी तो आई हो बहार बन के छाई हो, हवा जरा महक तो ले, ये दिल जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा.
ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी तो कुछ कहा नहीं, बस। सरला महेश्वरी, ये नाम सुनते ही जहन में उस शख्सियत की तस्वीर उभरती है जो एक जमाने में खूबसूरती और सादगी का पर्याय हुआ करती थी। माथे पर बिंदिया, सीधे पल्ले की साड़ी और ऐसी आवाज जो आज भी हर साल खेल दिवस पर राष्ट्रपति भवन में गूंजती है, इन्हें देखते ही दूरदर्शन का गुजरा जमाना याद आने लगता है। वो जमाना जब सरला महेश्वरी की साड़ियां महिलाओं में चर्चा का विषय होती थी, उनकी सादगी के दर्शक कायल थे तो उनकी भाषा और उच्चारण के सभी मुरीद। वो दौर तो गुजर गया, लेकिन वो सादगी, वो खूबसूरती और वो संयम आज भी कायम है। सरला जी, कितना फर्क दिखता है अब एक न्यूज चैनल में आकर आपके जमाने से? हाँ, बहुत फ़र्क लगता है। वही जो एक समय का परिवर्तन होता है, वो तो हमेशा होता ही है। कभी हम बैलगाड़ियों में घूमते थे, टांगे में घूमते थे, फिर कभी प्लेन में घूमते हैं, बस वही फ़र्क है। यानी तेज़ी आ गई है, हर स्पीड जगह एक स्पीड बढ़ गई है, तो वही फ़र्क हमें महसूस होता है। 1976 में आपने दूरदर्शन के साथ अपना सफ़र शुरू किया था। जी, मैं उन दिनों PhD कर रही थी और लेक्चरशिप की कोशिश कर रही थी, और मुझे पता लगा कि दूरदर्शन में एक अनाउंसर की जॉब है और उसके ऑडिशंस हो रहे हैं, तो ऐसे ही मैंने भी अप्लाई कर दिया और शायद करके भूल भी गई, क्योंकि उम्मीद नहीं थी कि कोई जवाब आएगा, और जवाब आ गया। उसके बाद इंटरव्यू दिया और उसमें सिलेक्शन भी हो गया, तो बड़ा अच्छा लगा। फिर उसके बाद अनाउंसमेंट शुरू कर दी थी उसके बाद। और न्यूज़ में आप कितने वक्त बाद गई? करीब 5 साल तक मैंने किया, फिर 82 जनवरी से मैंने न्यूज़ पढ़नी शुरू की। 82 में आपने न्यूज़ रीडिंग शुरू करी, और 84 में आपकी शादी हुई? हाँ, 84 में मेरी शादी हुई। उसके बाद आप दूरदर्शन छोड़कर चली गई? हाँ, फिर मैं इंग्लैंड चली गई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड वहीं थे, और फिर कुछ मौके की बात थी, वहाँ मुझे BBC में काम मिल गया, तो BBC टेलीविज़न मैंने किया 2.5 साल तक। तो 84 से 86 अक्टूबर तक मैंने BBC टेलीविज़न किया था, और फिर मैं वापस लौट आई थी, और दिसंबर में मेरा बेटा हुआ था। फिर 1 साल तक कुछ नहीं किया था, और फिर मेरे ख्याल से मैंने 88 से फिर न्यूज़ पढ़नी शुरू कर दी थी। आपकी फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा है आपके करियर में? बहुत बहुत, मैं इसका पूरा श्रेय अपने परिवार को दूंगी। आपको एक मैसेज सुनवाते हैं। हम सितंबर 83 में पहली बार एक फ्रेंड के यहाँ मिले। मैं इंग्लैंड से छुट्टी पर आया था, और जब सरला को बताया कि मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ, तो उसने कंसल्ट भी किया। मैंने मजाक में कहा कि मुझसे शादी कर लो, ठीक हो जाओगी। तो यहीं से यह सिलसिला शुरू हुआ। सरला के बारे में यही कहूँगा कि यू हैव बीन अ लवली वाइफ, अ ग्रेट डॉटर इन लॉ एंड मदर। सरला, थैंक यू for being a part of my life. मुझे याद है बचपन में जब आप न्यूज़ पढ़ने जाती थी, मुझे और हिमांशु को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हम कोशिश करते थे कि आप ना जाओ, हम नाराज होते थे, हम रोते थे। फिर आप कहती थी आप नहीं गई तो आपको पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। इसके बाद हम कुछ नहीं कहते थे, आपको नहीं रोकते थे, लेकिन आपने हमारे लिए बीच में अपना करियर रोका, हमारे लिए सपने देखे। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी इन आशाओं को पूरा करेंगे। मा वी ऑल लव यू। तुम बहुत इमोशनल हो जाओगे। चलिए, पर अच्छा लगा
ये आम जिंदगी में ऐसे आदमी कुछ कह नहीं पाता है ना। हाँ। आपने एक अच्छा जरिया दिया इन लोगों को कुछ एक्सप्रेस करने का। सबसे यादगार वाक्य अगर मैं आज आपसे कहूँ कि अपनी न्यूज़ रीडिंग के दिनों का कुछ याद करना चाहते हैं। हाँ, ऐसे तो बहुत मौके थे, लेकिन मुझे एक बार याद है, मेरे ख्याल से खेल के कोई समाचार थे और खेल समाचार शुरू हुए, फिल्म शुरू हुई और मुझे बोलना था 4 चौके और 6 छक्के और मेरी जीभ अटक गई। मैं 4 चौके ना बोल पाऊँ और 6 छक्के ना बोल पाऊँ। मैं बहुत कोशिश करती रही, फिर कैमरा मेरे ऊपर वापस आ गया और मैं बहुत ज़ोर से हंस पड़ी। उन दिनों तो न्यूज़ में हंसना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। मतलब आप सब कुछ कर सकते लेकिन आप हंस नहीं सकते। और मैं बिल्कुल अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर सकी। और फिर मैंने बहुत कोशिश करके, जब वो कैमरा मुझ पर आया तो मैंने बहुत कोशिश करके बोला 4 छक्के और 6 छक्के मतलब हमारी भारतीय टीम ने लगाए। और ऐसे ही एक बार हमारे स्टूडियो में शायद छिपकली घुस आई थी और मुझे वैसे भी छिपकली से बहुत डर लगता है। तो मैंने अपने फ्लो मैनेजर्स को 2-3 लोगों को इधर बिठाए, मैंने कहा और कुछ हो जाए, यहाँ बिजली के शॉर्ट सर्किट हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन छिपकली अगर आ गई तो मैं उछल पड़ूंगी। तो मैं वो सोचती हूँ कि वो छिपकली अगर मेरे रास्ते में आ जाती तो शायद मैं वो निष्ठा वहाँ नहीं दिखा पाती। लेकिन सरला जी, आज मैं दिल से बात कहना चाहती हूँ, आपको टेलीविजन पर देखते थे तो ऐसा लगता था कि क्या ये असल जिंदगी में भी इतनी सिंपल होंगी, इतनी सौम्य होंगी जैसी ये दिखती हैं। एंड टुडे आई कैन से दिस, कोई फर्क नहीं है। आई विल जो आपकी स्क्रीन इमेज हमेशा देखी हम लोगों ने जब हम बड़े हो रहे थे, एंड यू एग्जैक्टली द सेम। बहुत अच्छा लगा आप यहाँ आए, बहुत अच्छी अच्छी बातें की आपसे। एक छोटी सी भेंट है हमारी तरफ से आपके लिए। थैंक यू।